नमस्कार, लीगली स्पीकिंग के यूट्यूब पेज पर मैं मीरा वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि 137 दिनों के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल हो गई। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को सुबह इस बाबत अधिसूचना को जारी किया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे। नेताओं ने संसद में उनका स्वागत करते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। संसद भवन पहुंचकर कांग्रेस नेता ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त शुक्रवार को मानहानि वाले मामले में राहुल गांधी की दोष सिद्ध पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर की गई मोदी उपनाम वाली टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि ट्रायल जज ने राहुल गांधी को अधिकतम 2 सालों की सजा देने का कोई खास कारण नहीं बताया है। राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मानहानि एक गैर संज्ञेय जमानती और समझौता योग्य अपराध है। पुर्नेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने तर्क दिया कि श्री गांधी की टिप्पणियों के अधिकार गवाह टेप और रिकॉर्डिंग थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।